हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं एमपी स्पेशल के 10वें पार्ट की। इसमें एमपी से संबंधित उद्योग एवं व्यापार देखते हैं। ठीक, चलिए। तो औद्योगिक विकास में एमपी का नंबर है सेकंड, दूसरा नंबर है। और राज्य की आय में 14% औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना हुई 1981 में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना हुई 1999 में। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ देख लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग पार्क है अमकोई कटनी में। रेडीमेड गारमेंट पार्क है गदरईपुरा ग्वालियर में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 में इंदौर में हुई थी। इसमें 42 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश की आई 1972 में, और नई औद्योगिक नीति आई 2010 में, और उद्योग संबंधन नीति 2014 में आई। ठीक है, उर्वरक कारखाना है गुना में। मैग्नेनी मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम तहत 10 एम्पोरियम खोले गए, जिसमें से मध्य प्रदेश में शामिल हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, जो 6 मध्य प्रदेश में हो, और बाकी के 4 हैं जो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, दिल्ली, कोलकाता में। एकमात्र मध्य प्रदेश में एकमात्र छाता उद्योग महू में। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है। हीरे तराशने का केंद्र जबलपुर में है। कील व तार बनाने का कारखाना विदिशा में। ऑटो क्लस्टर, ऑटो को संबंधित, ये इंदौर में। तकनीकी परिसर ये राधौगढ़ गुना में है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं, जिनमें शामिल है नीमच, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, ये जिले शामिल हैं। अगला है हमारा वनस्पति तेल की इकाई शाजापुर में है। निर्यातोन्मुख चमड़ा इकाई देवास टाटा द्वारा देवास में है। ट्रांसफार्मर कारखाना जबलपुर में 1976 में हुआ था। और लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में। साड़ियाँ बनाई जाती हैं चंदेरी, महेश्वर, बुरहानपुर में। द्यास लाई एक ग्वालियर में। चेक पार्टिकल बोर्ड इटारसी में बनाए जाते हैं। रेलवे स्लीपर बुधनी में कारखाना है। अगला हमारा धातु मूर्ति होशंगाबाद में बनती है। एस्बेस्टस सीमेंट फैक्ट्री कैमूर, कैमूर में। अगला कंप्लीट ओरिजन एंड डिसाल्ट, डिसाल्ट एसीटिलीन उद्योग इंदौर में। इंजीनियर क्लस्टर गोविंदपुरा भोपाल में। देश की प्रथम बीओटी जल विद्युत योजना देवास में। नीम खली संयंत्र खरगोन में 2012 में स्थापित किया गया था। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड आगा सोन बीना सागर में। पहला सेज यूनिकेम पीथमपुर धार में। पीथमपुर धार में अन्य उद्योग शामिल हैं, जैसे सुक्स बंदरगाह भी पीथमपुर में, निर्यात एवं संवर्धन पार्क भी धार पीथमपुर में, ऑटो टेस्टिंग सेंटर भी पीथमपुर में, भारत का डेटाइट भी पीथमपुर को बोला जाता है, विजय कुमार इंटरनेशनल हीरा परिष्करण कारखाना भी पीथमपुर में है। एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में, ये जापान के सहयोग से लगाया गया था। भेल ये पिपलानी भोपाल में। घड़ी निर्माण बैतूल में होता है। घड़ी का सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कैंट कैट इंदौर में है। आणविक अनुसंधान केंद्र है, इसमें लेजर का उत्पादन होता है। एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है इंदौर में है, जो स्थापित। मैदा उत्पादन होता है इंदौर, भोपाल, गंजवासौदा में। कास्टिक सोडा अमलाई नागदा नेपानगर में होता उत्पादन होता है इसका। सहकारी चीनी मिलें बरलाई देवास में, कैलारस मुरैना में। 6 रक्षा उत्पादन फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 4 मध्य प्रदेश में, 6 हैं जिसमें से 4 जबलपुर में हैं। के लिए अप्रैल पार्क
इंदौर में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर गुना में ये इटली अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। ईयर कांगो कॉम्प्लेक्स इंदौर में, व्यापार केंद्र भोपाल में, प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में, इंडो जर्मन टूल इंदौर में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग व विकास केंद्र इंदौर में, पावर लूम उद्योग भी बुरहानपुर में। और यहाँ बता दें, भारत का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना, हथियार बनाने का कारखाना मालनपुर भिंड में है। ये पावर लूम उद्योग बुरहानपुर में, जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में, इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में, कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमोर मुरैना में। सील्ड से लाख बनाने वाले एक शासकीय कारखाना उमरिया में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग हैं चीनी मिल जो जावरा रतलाम में 1934 में इसकी स्थापना हुई, सूती मिल है बुरहानपुर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, सीमेंट प्लांट है बानमोर मुरैना में 1922-23 में इसकी स्थापना हुई थी, कागज मिल नेपाल नगर बुरहानपुर में 1948-49 में इसकी स्थापना हुई। चलिए मध्य प्रदेश के उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं, खनिज क्षमता पर आधारित उद्योग देख लेते हैं। सीमेंट, जैसे सीमेंट का उत्पादन होता है बानमोर मुरैना में, कैमूर कटनी में, मेहर सतना में, नीमच फैक्ट्री है नीमच में। ठीक, चीनी मिट्टी होता है ग्वालियर जबलपुर रतलाम में। विद्युत उपकरण बनते हैं जनरेटर के पिस्टर ट्रांसफर स्विच गियर, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल में भेल 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश के सहयोग से। अब चलिए अगला देखते हैं, वनों पर आधारित उद्योग देख लेते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। भारत का प्रथम कागज उद्योग ये है जो बुरहानपुर में नेपानगर, इसका पहले 1948-49 में जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था नायर फेस सेंडिकेट लिमिटेड और अब बदल के कर दिया गया नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में 1967-68 में इसकी स्थापना हुई थी। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल में निजी क्षेत्र का है, पुस्तक छापने का काम होता है। ठीक, बैंक नोट मतलब नोट छापने का कारखाना वो देवास में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 तथा उससे अधिक मूल्य के नोट यहाँ छापे जाते हैं। महीन कागज टिश्यू पेपर इंदौर में होता है इसका। बीड़ी उद्योग जबलपुर में, लकड़ी चीरने का कारखाना भी जबलपुर में और सागर में बीड़ी उद्योग भी है। चलिए अब इन कृषि पर आधारित उद्योग देख लेते हैं। आपको बता दें छिंदवाड़ा में खजूरी और परदूना ये प्रसिद्ध है कृषि पर आधारित उद्योग के लिए। सूती कपड़ा उद्योग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सूती कपड़ा उद्योग में तीसरे नंबर पर, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है। कृत्रिम रेशे से कपड़ा नांगदा इंदौर ग्वालियर और उज्जैन देवास में बनाए जाते हैं। ऊनी कपड़े इंदौर में बनाए जाते हैं। ठीक, चीनी उद्योग देख लेते हैं। बलाई कैलारस मुरैना भोपाल सुगर मिल्स सेवर डबरा सुगर मिल्स डबरा में, जीवाजी राव सुगर कंपनी लिमिटेड हलोदा मंदसौर में, सेठ गोविंद राम सुगर मिल्स महेंद्रपुर उज्जैन में, जावरा सुगर मिल्स जावरा रतलाम में। ठीक है, जो चीनी उद्योग है। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में लगाया है, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में, वायल पशु आहार संयंत्र मुरैना में, यंत्रीकृत प्रक्षेप बावई होशंगाबाद में और डेयरी फॉर्म भी बावई होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास संस्थाएं देख लेते हैं। ठीक है, इनके क्या काम है, कब इनकी स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय, सब कुछ देखते हैं। ठीक, पहला हमारा वित्त निगम, ये इंदौर में हुई है इसकी स्थापना 1955 में। वित्तीय मदद करता है निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को। दूसरा है लघु उद्योग निगम भोपाल में 1961 में, इसका कार्य लघु उद्योगों को कच्चा माल तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में 1960-61 में, एक खादी उद्योग को बढ़ावा देना इसका कार्य मुख्य कार्य। औद्योगिक विकास निगम भोपाल में 1965 में इसकी स्थापना हुई, बड़े मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद देना इसका प्रमुख कार्य है।
राज्य उद्योग निगम भोपाल में 1969 में इसकी स्थापना हुई। सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना इसका मुख्य कार्य। अगला है हमारा वस्त्र उद्योग निगम, ये इंदौर में 1970 में इसकी स्थापना हुई। सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना इसका प्रमुख कार्य। हस्तशिल्प मंडल भोपाल में 1972 में इसकी स्थापना हुई। हस्त उद्योगों को बढ़ावा देना एवं वित्तीय मदद करना। हैंडलूम संचालनालय भोपाल में 1976 में हैंडलूम एवं पावर लूम को पूंजी उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य। निर्यात निगम भोपाल में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के लिए सहायता करना। अगला है हमारा हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल में 1981 में इसकी स्थापना हुई। माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में बहुमूल्य खनिजों की खोज एवं खुदाई व्यापार की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य। एग्रो एंड स्टेज कॉरपोरेशन भोपाल में कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिला उद्योग केंद्र प्रत्येक जिले में होता है इसका, और उद्योगों को वित्तीय एवं सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। मल्टी प्रोडक्ट सेज उद्योग केंद्र विकास निगम इंदौर, ये धार में। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में, ये इंदौर में है। मल्टी प्रोडक्ट सेज ये ग्वालियर में। आईटीआईटीई सेज इंदौर। मेडी कैप्स लिमिटेड इंदौर में। आईटीआईटी सेज इंदौर। पार्श्वनाथ भी डेव हिल प्रेस नई दिल्ली में। नई दिल्ली इंदौर में है मुख्यालय। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम सेज सीधी में। मेसर्ज हेटलाल को एंड स्टडीज लिमिटेड मुंबई सीधी में। मिनरल एंड मिनरल बेस्ड ओके विकास निगम जबलपुर, ये हरगढ़ जबलपुर में स्थित है। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम देख लेते हैं। एल्कोहल प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टेज, ये रतलाम में 1963-64 में इसकी स्थापना हुई। स्प्रेट एल्कोहल CO2 का उत्पादन करता है। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी, ये 1998 में बनी। ये जूते एवं तंबू तेपाल बनाए जाते हैं। ग्वालियर फोर्टिज फ्रोटिज ग्वालियर में चीनी मिल के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्लेडरिंग प्लांट उज्जैन में 1962 में इसकी स्थापना हुई। रंगाई एवं व्यंजन परिष्करण ये बनाए जाते हैं। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में ठोस कामानी बनाई जाती हैं। छाता उद्योग मऊ में। इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर में। देवास इलेक्ट्रिकल्स उष्मारोधी उपकरण बनाए जाते हैं। ब्रुस स्पोर्ट्स एंड स्टेज इंदौर, खेल सामग्री बनाई जाती है। कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में पंप एवं पंपिंग सेट यहाँ उत्पाद बनते हैं। मेटल वर्क्स विदिशा में। GI कटीले तार तार की कीलें का बनाई जाती हैं। साइकिल उद्योग गुना में साइकिल एवं उपसाधन बनाए जाते हैं। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में, फर्नीचर यहाँ बनाया जाता है। भोपाल उद्योग फर्नीचर यहाँ भी। सनावत कताई मिल 1963-65-64 में बना है। सूती धागा यहाँ बनाया जाता है। MP में केंद्र राज्य के संयुक्त उपक्रम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में। विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर जबलपुर में। लिम्स लिमिटेड विदिशा में। ग्याय केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम संचार मंत्रालय के अंतर्गत देख लेते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में 1943-44 में इसकी स्थापना है। यहाँ टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में 1943-44 में इसकी स्थापना हुई। युद्ध सामग्री बनाई जाती है। ठीक। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में 1943-44 में इसकी स्थापना हुई। युद्ध सामग्री यहाँ भी बनाई जाती है। अगला है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में 1955 में इसकी स्थापना हुई। रक्षा एवं भारी व्यवसाय वाहन बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटालसी में 1943-44 में बनाई स्थापना हुई। इसकी युद्ध सामग्री बनती है।
अगला है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में युद्ध सामग्री, यहाँ भी ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में कच्चा लोहा बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत लगाए गए उद्योग देख लेते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में उसकी स्थापना हुई। यहाँ छोटे नोट छापने का कारखाना, कागज बनता है। अगली करेंसी प्रिंटिंग फेस देवास में 1943-44 में यहाँ कागजी मुद्रा बनाया जाता है। अगला है एल्कोए फैक्ट्री नीमच में, रेल मंत्रालय के तहत है। 1975-76 में इसकी स्थापना हुई। अंश परिष्कृत कोडीन नारकोटिन यहाँ उत्पादन होता है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में 1975-76 में इसकी स्थापना हुई। रेलवे रेल डिब्बों का निर्माण होता है। खनन मंत्रालय के तहत लगाए गए उद्योग देखते हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली सीधी में कोयला। अगला हिंदुस्तान कोफर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाखंड में, बालाघाट में तांबा का उत्पादन होता है। वेस्टर्न कोल फील्ड्स नागपुर में कोयला यहाँ उत्पादन। बेला डीला आयरन प्रोजेक्ट बचेली जबलपुर में स्थापित है। राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के तहत लगाए गए उद्योग देख लेते हैं। दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल 1938-39 में स्थापना है। सूती कपड़ा एवं सूत बनाया जाता है। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में 1934-35 में इसकी स्थापना हुई। अगला स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर में 1928-29 में इसकी स्थापना हुई। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर में 1907-08 में इसकी स्थापना हुई। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड इंदौर में 1934-35 में इसकी स्थापना हुई थी। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर में 1906-07 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम के तहत देख लेते हैं। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में, यहाँ कपास बीज मूंगफली का तेल उत्पादन बनता है। 1963-64 में इसकी स्थापना हुई। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित उद्योग भी लिख लेते हैं। कीटनाशक संयंत्र बीना में BSC DDT मेलाथिन काल बेरिल बोरिल बनाया जाता है। जीवाणु खाद्य संयंत्र ने भोपाल में राइजोबियम कल्चर एजेक्टोबैक्टर बनाया जाता है। वायल एवं पशु आहार संयंत्र मोरेना में, यहाँ सरसों तेल एवं पशु आहार बनाया जाता है। पोषण आहार संयंत्र धार में पोषण आहार का उत्पादन होता है। फल संवर्धन इकाई भोपाल में जेम्स जेली केचप पेय पदार्थ का उत्पादन होता है। अगला यंत्रीकृत कृषि पिछे बाबई में प्रमाणित बीज रेशम उद्योग बनाया जाता है। अगला एग्रो एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बायोस गैस संयंत्र, ड्रम, सोलर कुकर, अन्न भंडारण कुटिया, ट्रैक्टर बेलचित कृषि उपकरण सेंटर है। डेयरी फार्म जेबाबई में दुग्ध उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के अन्य उद्योग देख लेते हैं। सूती कपड़ा उद्योग है इंदौर उज्जैन ग्वालियर बुरहानपुर सनावद मंदसौर रतलाम देवास भोपाल खंडवा। ठीक है, रियान सिल्क उद्योग देख लेते हैं। ये नागदा में इंदौर ग्वालियर में है। ठीक है, कैंपाई यार्न ये देवास में, सेंथेटिक्स यार्न उज्जैन में, सोड़ी यार्न ये देवास में, फायर फैक्ट्री जबलपुर कटनी में, जूट मिल्स राजगढ़ में, सीमेंट फैक्ट्री बानपुर रघुनाथ कैमूर जमूल सिल्टा मेहर में, चमड़ा उद्योग देवास में, ड्राइव फैक्ट्री भोपाल में, मिनी स्टील प्लांट इंदौर रतलाम देवास शाजापुर में, कीटनाशक दवाई नागदा कुमारी में बनाई जाती, बिस्कुट फैक्ट्री ग्वालियर में, स्टील कस्टिंग फाउंड्री देवास कुमारी बाग्स रोंद ग्वालियर भिलाई इंदौर उज्जैन मंदसौर शाजापुर में, टेक्सटाइल मशीनरी ग्वालियर में, विद्युत चालित पंप देवास में बनाया जाता है। चलिए संयुक्त उपक्रम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के MP एग्रो मोराजी फर्टिलाइजर लिमिटेड इटारसी होशंगाबाद में दानेदार मिश्रित खाद बनाया जाता है। वायल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में सरसों तेल पशु आहार भी बनाया जाता है। पोषण आहार संयंत्र धार में पोषण आहार बनाया जाता है। फल संवर्धन इकाई भोपाल में जैम जेली केचप पेय पदार्थ बनाया जाता है। एक्स्ट्रा बोर्ड मिल शाजापुर एक्स्ट्रा बोर्ड है। पंजीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल में ये पोषण आहार है। प्रमुख कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, स्टील लेस
स्टील सागर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, फार्मा पार्क बेटमा धार में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर परदेसीपुरा में, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग देख लेते हैं। बानमोर फैक्ट्री है जो 1922 में स्थापित हुई, कैमूर फैक्ट्री 1923 में, सतना सीमेंट वर्क्स 1959 में, मेहर फैक्ट्री 1980-81 में, नीमच फैक्ट्री 1980-81 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने एमपी स्पेशल का 10वां पार्ट देख लिया है। अगले लेक्चर में हम 11वें पार्ट की बात करेंगे। ठीक, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।